हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISS। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपनी हड्डियों का दर्द, जो ब्लॉक नसें हैं, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को उठने में, बैठने में, घुटनों में जो दर्द होता है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के टाइम में सभी परेशान हैं। जो ये दर्द है या जो ये प्रॉब्लम है, इनके रीजन भी अलग-अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को उठने और बैठने में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आप लोगों को चलने में हड्डियों में दर्द होता है, या आपके पैरों में लचक आ जाती है चलते टाइम, तब आप लोग को ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम की कमी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज, अगर आप लोगों को हिप जॉइंट से लेकर के और पैर के टखने यानी कि एंकल तक दर्द होता है, तब ये साइटिका का पेन हो सकता है। तो देखिए, इन सभी दर्द के लिए मैं अलग-अलग ट्रीटमेंट बताऊंगी, तो उसके लिए जरूरी है मेरे साथ वीडियो में फुल टाइम के लिए बने रहिएगा, यानी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को जानने से पहले या उसका ट्रीटमेंट से पहले आप लोगों को क्या जानना जरूरी है कि आखिरकार क्यों हुई है ये प्रॉब्लम हमें। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है, तब तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये आ जाता है कि आप लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है, और जब गैस बहुत ज्यादा बनती है तब वहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन देखिए, गैस बनना भी मेन सॉल्यूशन नहीं है, या आप कह सकते हैं कि मेन जड़ नहीं है गैस बनना भी। गैस भी कब बनती है? जब आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कब होती है? जब आप लोगों का पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ करने के लिए मैं आपको एक रामबाण इलाज बताऊंगी। अगर आप लोगों ने ये इलाज कर लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे अगर ये ट्रीटमेंट आप लोगों ने कर लिया। और अगर आप लोग बीमार नहीं हैं तो कभी बीमार होगे ही नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? हेड, बहेड़ और आंवला, इन तीन चीजों का यूज करना है, जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि बहुत से लोग त्रिफला और त्रिकुट दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको त्रिकुट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको त्रिफला बता रही हूँ। त्रिफला में क्या क्या चीजें आती हैं? हेड, बहेड़ और आंवला, ये तीन चीजें आती हैं। अब हेड, बहेड़ और आंवला, इसकी क्वांटिटी भी बहुत जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पंसारी की शॉप पर जाते हैं, यानी ग्रोसरी शॉप पर, या जहां पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं वहां जाते हैं और क्या कहते हैं कि हम लोगों को त्रिफला चाहिए, और वो उसकी जो क्वांटिटी है वो गलत दे देते हैं। और क्या होता है, आपको जो इफेक्ट उससे चाहिए होते हैं वो इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, बल्कि आप लोगों को साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को करना क्या है 100 ग्राम लेना है, बहेड़ा 200 ग्राम लेना है और आंवला 400 ग्राम लेना है, यानी कि 1:2:4 ऐसे लेना है। ठीक है, अब ऐसे किसको लेना है? जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है, जिन्हें दर्द की प्रॉब्लम है, उनके लिए इसकी रेशियो दूसरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आपको हेड 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम लेना है। इनकी गुठली निकाल दीजिएगा, और इनको कैसे पीसना है, दरदरा पीस लीजिएगा।
दरदरा पीसने के बाद रात के समय में मिट्टी के बर्तन में एक ग्लास पानी डालना है और एक चम्मच त्रिफला डाल देना है। सुबह उठना है और छान करके शौच जाने से पहले पी लेना है, तो उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं खत्म होती है तो इसमें हल्का सा गर्म पानी मिला लीजिए और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लीजिए, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और अगर आपको जो दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो गैस की वजह से है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ठीक होने वाली है। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि जो त्रिफला आप लोग भिगोएंगे वो किसी भी मेटल के बर्तन में बिल्कुल भी ना भिगोएं। उसके लिए आप लोगों को यूज करना है मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन। आप लोगों को किसी भी मेटल के बर्तन का यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, गरम पानी त्रिफला में ऐड करना है, ना कि त्रिफला के पानी को गरम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज में मिस्टेक कर जाते हैं, और वो किस वजह से, क्योंकि वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो चीज मैं बता रही हूँ या जो चीज आप तक डिलीवर करना चाह रही हूँ मैं, आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इस तरह से आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उनको क्वांटिटी ये लेनी है। जिन्हें हड्डियों में दर्द है उनको त्रिफला की जो क्वांटिटी है वो कैसे लेनी है 100 ग्राम लेना है, बहेड़ा 200 ग्राम लेना है और आंवला 300 ग्राम लेना है, यानी 1:2:3 की रेशियो में आप लोगों को इसे यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने अभी अभी बताया है बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है। इसके साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं दर्द के लिए, लहसुन का दूध पी सकते हैं। लहसुन का दूध कैसे बनाना है कि लहसुन का जो दूध है वो उसमें 2 से 3 कली ही लहसुन की लेनी है, उन्हें छीन लेना है। छीनने के बाद उनके टुकड़े करके और 1.5 ग्लास दूध में बॉईल कर लीजिए। बॉईल बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसमें जो उबाल है वो बहुत ज्यादा नहीं लगाने हैं, सिर्फ 1 से 2 उबाल लगाने हैं। क्यों, इसके पीछे भी रीजन है कि अगर आप दूध को ज्यादा उबालेंगे तो उसमें फैट ज्यादा आ जाएगा जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो इसलिए 1 से 2 उबाल से ज्यादा बिल्कुल भी ना लगाएं। मीठे के तौर पर आप लोग उसमें खांड या गुड़ का यूज कर सकते हैं, अब गर्मियां हैं तो मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी जो प्रॉब्लम है उसे खत्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको इसकी मेडिसिन जाननी है तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए आपको मेडिसिन भी बताऊंगी और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज भी बताऊंगी। तो ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, और अगर इतनी सी भी यूजफुल होती है आप लोगों के लिए ये वीडियो, तो प्लीज वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, उन लोगों के साथ प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा परेशान है अपनी इस परेशानी से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।